एनिमे की दुनिया में कुछ महीनों पहले एक नाम थोड़ा थोड़ा उड़ता हुआ दिखाई दिया, विंड ब्रेकर। जहाँ देखो वहाँ थोड़े थोड़े लोग ही लेकिन बोल रहे थे कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स से तो बेटर है, दिस एनिमे इज बेटर देन रिवेंजर्स ऑफ टोक्यो। और ये सुनने के बाद आई वाज लाइक नॉट अ टॉल बार टू क्रॉस बट आई विल वॉच इट, ताकि इस टट्टी को उसकी औकात दिखा सकूं। पहला एपिसोड प्ले करके क्या देखता हूँ, हाई स्कूल के लड़के फाइटिंग कर रहे हैं। और मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, इतनी उत्सुकता नहीं जागी मेरे अंदर कि इन लॉन्डो को मारा मारी करते देखूं। क्यों? रीजन, आई हैव नो एनिमीज, मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। मुक्काबाजी वाला वायलेंस फिस्ट फाइट अब हमको एक्साइट नहीं करता, दिखाना है तो मारकाट दिखाओ, कोई हाथ काट रहा है, कोई सर उड़ा रहा है, कोई लंड। शो का प्रीमाइस बहुत सिंपल है, एक लड़का एक दिन बाहर शहर से आता है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई घर नहीं है, एकदम अकेला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शो के अंदर दिखाया नहीं जाता बस। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती है वो मोस्टली तीन जगहों पे। पहला एक कैफे, जहाँ पे शो के मेन कैरेक्टर्स टाइम पास चिल करने के लिए, हैप्पी मोमेंट्स के लिए जाते हैं। वहाँ की ओनर काफी खूबसूरत महिला, तो जब रिवील किया कि वो 16-17 साल की है, मुझे बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज शी इज मॉमी मटेरियल, ओन मी मैडम ऐसा बोल देता, बट आई एम नॉट ओनली अबव 30। दूसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन उनका स्कूल, फ्यूरिन हाय, जहाँ पे सब लोग ऑल टाइम हाई होते हैं। तुमने अगर शो देखा है तो मुझे बताना कि कौन से एंगल से वो एक स्कूल लगता है। स्कूल जैसी एक भी चीज इसके पूरे सीजन वन में कभी नहीं दिखाई, लाइक नॉट इवन फॉर अ सिंगल फ्रेम, नो। तीसरा और फाइनल लोकेशन जो हम देखते हैं वो जनरल आउटसाइड रोड पे या दुश्मन किसी स्कूल के अड्डे पे। क्यों? क्योंकि शो का मेन कैरेक्टर नाम इनका साकुरा है। हाँ, साकुरा, ऑथर ने एकदम पर्सनल जिम्मेदारी ली है यूजलेस वाला टैग हटाने के लिए। लॉन्डे को सिर्फ एक चीज करनी है, फाइट। ही हेट्स वीक पीपल, जो बहुत ज्यादा शोबाजी करते हैं, और लोगों को वो चैलेंज करना चाहता है ताकि टॉप पे पहुंच जाए, जिसका मतलब ऐसा कि ही इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। और पूरे शो को डिजाइन भी उस तरीके से किया गया, एकदम फाइटिंग कल्चर पे फोकस करते हुए, जहां पे तुमको और दूसरा तीसरा लड़का कोई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के गैंग में घूमते हुए दिख जाएगा, जिसमें से सबसे यूनिक इसका खुद का स्कूल है, फ्यूरिन हाई क्या नाम है यार, अपनी खुद की एक टेरिटरी मार्क करके रखी हुई है। और लड़के, स्कूल के लड़के ही पेट्रोलिंग पे जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं, इनके इलाके में कोई बाहर का आके दंगा नहीं कर सकता, अच्छे से बात कर। सो बेसिकली बैटमैन अगर उसके पेरेंट्स थोड़ा परवरिश दे के मरते तो। साकुरा को साइड में रखने के बाद, नारुतो का कोई पन नहीं था, ये बाकी कैरेक्टर्स काफी नमूने, मतलब एकदम जेनेरिक वाले जो एग्जांपल्स होते हैं ना, एक नर्वस है, एक हमेशा हाई होता है, एक जिम फ्रीक, लेकिन वो आई पैच वाला काफी इंटरेस्टिंग लगा। इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिवील बचा के रखा है इस शो के मेन गाय, द टॉप गाय, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्कूल का स्टूडेंट, जिसकी आंखें ब्लू हैं, और उसको वॉइस दिया है गोजो के वॉइस एक्टर ने। और क्या मैंने तुमको बताया कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही वुड विन, उसका कब किटकैट बनेगा, आई कांट वेट। एक्चुअली गोजो के वॉइस एक्टर ने आवाज दी है कि नहीं, मैंने कंफर्म नहीं किया, नो गूगल, गानों से सुन के लग रहा था, तो तुम कंफर्म करना कमेंट्स में। और सच बताऊं तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर बन नहीं रहा था, सीरियसली। फिर वो लोग एकदम से टूर्नामेंट आग चालू कर देते हैं, आई वाज लाइक डूड और कितना लेम हो सकते हो आप, शॉनन के जितने भी क्लासिक ट्रोप्स है तुम पहले 5 एपिसोड में ही दिखा दो बैच। लेकिन फिर 5वें एपिसोड में जब पहली फिस्ट फाइट चालू हुई, आई वाज लाइक Where is my popcorn? अंदर का चाइल्ड जिसको हमने सुला दिया था थॉरफिन को देखने के बाद, ज्वाला जग गई, मारा मारी, ये मार कुत्ते को, मार साले को, और चाहिए। एंड द फाइटिंग इज गुड, मैंने एपिसोड 4 से लेके 8 तक बिंज वॉच किया, और वो बहुत अच्छा डिसीजन, हर हफ्ते नहीं देखने का, क्योंकि जब ऐसी फाइट्स चल रही है तो 20-20 मिनट बाद रुकना और 7-7 दिन तक वेट करना, दिमाग का भरोसा हो जाता, वेट क्या मैं टूर्नामेंट आग की तारीफ कर रहा हूँ। ओवरऑल जाता बहुत प्रेडिक्टेबल तरीके से है, लेकिन देखने में मजा आया। डायलॉग के थ्रू कुछ हैवी शिट ऐड करने की वो कोशिश तो जरूर करते हैं कि फाइटिंग इज लाइक टॉकिंग, हैविंग अ कन्वर्सेशन, एंड द फिस्ट इज योर लैंग्वेज, वाह क्या लिखा है, इसलिए शायद पूरा का पूरा एपिसोड बातों में निकाल देते हैं। एपिसोड नंबर 6 थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक जरूर हो गया, जहाँ पे दो दोस्तों का पास्ट दिखा रहे हैं, आई एम लाइक ओके चल फाइटिंग दिखा। क्लासिक शोनन ट्रोप्स तो छोड़ दो, क्लासिक एनिमे वाले ट्रोप्स उठा लिए, जहाँ पे एकदम लिरिक्स वाला गाना पीछे लगा दिया और वो लोग कमारे जा रहे हैं। ओके, एक वियर्ड चीज जरूर मैंने नोटिस करी, एनिमेशन के अंदर जो बॉडी के प्रोपोर्शन से वो कहीं कहीं मैच नहीं हो रहे थे, दूसरे आदमी को बहुत छोटा दिखा दिया, और कुछ शॉट्स देखकर तो तुम क्वेश्चन करोगे कि ये कैसा शो है, वैसा शो है स्टेज पे मिशनरी। तो बड़े लोग जो स्टेटमेंट, जो बातें देखकर मैंने ये शो चालू किया था कि इट इज बेटर देन टोक्यो रिवेंजर्स, इज इट बेटर देन टोक्यो रिवेंजर्स, यस, लेकिन जैसा मैंने बोला कि वो बहुत हाई बार नहीं है क्रॉस करने के लिए। ओवरऑल ओपिनियन विंड ब्रेकर को लेके ऐसा है कि जब इसका सीजन 2 आएगा आई विल प्रोबेबली स्किप इट, लेकिन अगर उस टाइम पे थोड़ा एनिमेशन या मुक्का मारी देखने का मन कर गया तो मे बी सब्सक्राइब।